जाने किस घड़ी में बराक ओबामा ने भारत पर उंगली उठाने का निर्णय लिया। भारत पर ओबामा की अनुचित टिप्पणियों पर भारत से तीखी प्रतिक्रिया तो आनी स्वाभाविक थी, परंतु जो किसी ने भी नहीं सोचा, स्वयं ओबामा ने भी नहीं, वह था अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के पूर्व अध्यक्ष द्वारा इनकी निंदा। नमस्ते और स्वागत है आपका TFI पर, और मैं अनिमेश पांडे उस आलोचना पर प्रकाश डालूंगा जो ओबामा को भारत के विरुद्ध अपने तीखे रवैये के लिए झेलनी पड़ रही है, और जॉनी मूर के परिप्रेक्ष्य में क्यों भारत की विविधता को एक ताकत के रूप में पहचानने के महत्व पर भी ध्यान देना चाहिए। ओबामा ने वही बोला जो किसी ने उनसे नहीं पूछा, परंतु जिसके लिए वामपंथी बहुत ललायत थे, भारत को धर्मनिरपेक्षता पर ज्ञान। बराक ओबामा को USCIRF के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर की इस बात पर सीधी सलाह है, अपने गिरेबा में भी तनिक झांक ले। जॉनी मूर का मानना है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत की आलोचना करने के बजाय देश की विविधता और ताकत को स्वीकारना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत किसी भी राष्ट्र की तरह परिपूर्ण या परफेक्ट नहीं है, परंतु इसकी विविधता इसे अलग करती है और इसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। जॉनी मूर ने भारत की अद्वितीय विविधता पर प्रकाश डालते हुए इसे मानव इतिहास का सबसे विविध देश बताया। अपने विशाल धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के साथ भारत विविधता के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। ये विविधता न केवल राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करती है, अपितु इसके लचीलेपन और अनुकूलनशीलता में भी योगदान देती है। जिन अनाज्ञात हो तो बता दें कि मूर का यह बयान CNN के क्रिश्चियन अमानपोर के साथ साक्षात्कार के दौरान ओबामा के विवादास्पद टिप्पणियों के पश्चात प्रारंभ हुए। राष्ट्रों के बीच रचनात्मक जुड़ाव और सम्मानजनक बातचीत सुनिश्चित करने के लिए बयानों के समय और संदर्भ पर विचार करना काफी आवश्यक है। जॉनी मूर का दृष्टिकोण द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक जुड़ाव और सार्थक बातचीत को प्रोत्साहित करता है। पूर्व आयुक्त ने यह भी सुझाव दिया कि भारत जैसे दोस्तों के साथ सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बजाय निजी तौर पर अपनी चिंताओं को संबोधित करना अधिक विवेकपूर्ण है। जॉनी मूर भू राजनीति के महत्व और वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध एकजुट मोर्चा पेश करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। संचार और निजी संवाद के खुले चैनलों को बढ़ावा देकर राष्ट्र चुनौतियों और चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। जॉनी मूर ओबामा की इस भावना से असहमत है कि भारत लोकतांत्रिक संकट का सामना कर रहा है। उनका मानना है कि वास्तव में लोकतंत्र की नई सुबह है। भारत की मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं, जीवंत नागरिक समाज और सक्रिय नागरिक भागीदारी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जॉनी मूर की असहमति भारत की प्रगति और क्षमता को पहचानने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, विशेषकर वैश्विक चुनौतियों के सामने। हालांकि यह सोचना तनिक हास्यास्पद है, परंतु ओबामा की टिप्पणियों की आलोचना आत्मनिरीक्षण के अवसर के रूप में कार्य करती है। यदि अमेरिकी भी आपके विचारों से सहमत ना हो तो ऐसी आलोचना के आधार और इसके संभावित परिणामों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। ओबामा को मूर की सलाह है कि आपसी सम्मान और समझ के आधार पर मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए आत्मचिंतन और आख्यानों को पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जॉनी मूर की बराक ओबामा को भारत की आलोचना करने के बजाय उसकी सराहना करने पर ध्यान देने की सलाह भारतीय भू राजनीति पर एक नया दृष्टिकोण पेश करती है। भारत की विविधता को एक ताकत के रूप में पहचानना और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में इसका समर्थन करना मजबूत संबंधों और गठबंधनों को बढ़ावा दे सकता है और वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा देगा। चिंताओं को दूर करने के लिए रचनात्मक बातचीत में शामिल होते हुए राष्ट्रों की प्रगति और विविधता का उत्सव मनाना काफी आवश्यक है।